पूरी करो अपना हक, अपना हक, अपना हक लागू करो, लागू करो, ये हमारा पे अनोमली का मसला है। फिफ्थ पे कमीशन हमें डिनाई किया गया, तब से लेकर आज तक हम आपके माध्यम से प्रोटेस्ट और धरना करते आ रहे हैं। वक्तन वक्तन सब गवर्नमेंटों को हमने रिप्रेजेंटेशन दी है तो किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। सब उन्हें वादे लारे और झांसे ही दिए और हमारा ये इस मसले को लंग रन किया और टाइम किल किया। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा मेडिकल अलाउंस है वो सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉय को ये 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है। तो जब ये बोल रहे थे कि यूटी और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप ये बताइए कि 5 साल हो गए हमें वो उसका बेनिफिट नहीं दिया गया। हम क्या जाने कि यूटी और सेंटर में क्या कितना डिफरेंसेस है और कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये हम कहते हैं कि अभी रिसेंटली 21 जनवरी को हम गवर्नर साहब से मिले थे, गवर्नर साहब ने बोला कि आपका मसला जनवन हुआ तो हम जल्द से जल्द इसको हल करेंगे। लिहाजा देखते देखते अब साल भी होने को जा रही है, नवंबर आ गया है, तो हमारा मसला यूं का तू ही है, उस पर किसी ने टचिंग नहीं की है। तो लिहाजा बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि ये टाइम किल वाली जो पॉलिसी है इसको दूर किया जाए और इस देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। और दूसरी ये जो मेडिकल अपना DA की किस्त है जो सेंटर ने अभी रिलीज़ की है, तो हम ये चाहते हैं कि फिर स्टेट एम्प्लॉय को भी इसका जो बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ताकि इस बैंक भाई के दौर में हमें भी कुछ रात की सांस मिले। तो लिहाजा ये जो हम एक तरफ से ये कहते हैं कि ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हमारी हिंदुस्तान की है, जब हम वेस्टर्न कंट्री को देखते हैं कि वहाँ पर अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करता है, काले बिल्ले जाके कोई एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, तो उनकी एजेंसियां वो गवर्नमेंट को बता देती हैं कि भाई लोगों की ये डिमांड है, लोग आपसे कब आए। तो लिहाजा यहाँ पे प्रोटेस्ट धर रहे हैं और मतलब इतना लंबा जदोजहद कर रहे हैं के बावजूद भी इस गवर्नमेंट को कोई इस बात का एहसास नहीं होता कि ये हमारी पब्लिक की ग्रीवेंसेज क्या है, वो पब्लिक की डिमांड क्या है। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है, अंग्रेजों हम तो ये सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हम आज़ाद मुल्क के गुलाम शहरी हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी अगर प्रोटेस्ट कोई करता था तो इतना लंबा दरेना वो टाइम नहीं लेते थे, वो उस मसले को हल कर देते थे। लेकिन ये अपनी हुकूमत अपने ही लोग जब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो दुनिया को समझ भाग दिखाते हैं, तो जब ये जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो शहनशाह आलम अकबर से भी ऊपर हो जाते हैं और इनको छोटे मोटे आदमी वो नज़र नहीं आते। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये कुर्सियाँ सदा किसी की रहने वाली नहीं है। अगर आप पब्लिक के साथ अच्छा काम कर जाएंगे, पब्लिक आपको याद करेगी और आने वाली नस्लें भी आपको अच्छे नाम से पहचानेगी कि भाई हमारे लीडर रहनुमा एक अच्छे मियारी लोग होते थे।